जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में कि दोस्तों इस बार की मकर संक्रांति सबसे पहले तो कब है, कि 14 तारीख को है या 15 तारीख को। दोस्तों मकर संक्रांति सूर्य के दिन उत्तरायण होता है और इस दिन मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं और मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होने लगता है। इसी वजह से मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के दौरान इस दिन स्नान और दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन दोस्तों भगवान सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करें और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति दान पुण्य आदि करता है तो मनचाहे वरदान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों इस बार की बात करें तो इस साल सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और यह पर्व मकर संक्रांति का 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होगा और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन खिचड़ी बनाकर इसका दान करने से कई गुना आपको लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस त्यौहार पर सूर्यदेव भगवान शनिदेव से मिलने जाते हैं और सूर्य शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदलने का कार्य करता है यह पर्व, अगर आप इसके निमित्त कुछ उपाय कर लेते हैं। दोस्तों इस दिन प्रातःकाल आपको क्या करना चाहिए तो छोटी सी जानकारी ले लें, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी चीज़ है जो भूलकर भी आपको मकर संक्रांति के दिन दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस दिन प्रातःकाल स्नान कर लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्य के बीच मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें और गीता का पाठ करें। नए अन्न कंबल तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी हर प्रकार की पीड़ा शांत हो जाती है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन आपको दान पुण्य बहुत ज़्यादा करना चाहिए और दान पुण्य का फायदा भी आपको अपने जीवन के अंदर देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका आपको दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपने जो दान किया है उसका भी आपके जीवन के अंदर से समझ लीजिए किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान होने की आवश्यकता बढ़ जाती है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन तिल का दान सबसे अच्छा दान माना जाता है और तिल का दान करने से समझ लीजिए कि आपके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं और इस दिन लोगों को तिल खिलाना और तिल का दान करना कई गुना फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इस दिन अगर तिल से और गुड़ से बनी चीज़ें दान कर देते हैं और कुछ चीज़ें अपने दुकान पर आने वाले आप ग्राहकों को दान के रूप में देते हैं या ऐसे ही गिफ्ट के तौर पर देते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आने वाली मकर संक्रांति तक आपके जीवन के अंदर धन 100 गुना गति से बढ़ने लगता है, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य की तरफ बदल जाता है। लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको इस दिन दान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार से समझ लीजिए कि हानि का उठाना पड़ सकता है या फिर आपको कई प्रकार का अलाभ हो सकता है, इसी वजह से उन चीज़ों को मना किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। दोस्तों ध्यान रहे कि झाड़ू का कभी भी दान नहीं किया जाता। कुछ लोग अज्ञानवश मकर संक्रांति के दिन नया झाड़ू खरीद पर भी लेकर आ सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन ना तो आपको झाड़ू खरीद कर लेकर आना है और न ही मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का आपको दान करना है, क्योंकि दोस्तों घर का झाड़ू घर की लक्ष्मी के तौर पर देखा जाता है और माना जाता है जिस घर के अंदर झाड़ू होता है समझ लीजिए कि उस घर के अंदर समृद्धि रहती है। आप अपने पैसों का दान किसी को भी नहीं कर सकते तो आप झाड़ू का दान कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू को भूल कर भी आपको दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि साक्षात घर की लक्ष्मी को दूसरों के घर सौंपने का कार्य करते हैं। आप अपने घर की लक्ष्मी को ऐसा कहते हैं कि आप दूसरे के घर चली जाए, इस तरह का पाप आपके हाथों से हो जाता है। इसी वजह से आपको घर का झाड़ू भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों यह जरूर ध्यान रखें मकर संक्रांति दान पुण्य का दिन है, नई चीज़ों को दान करने का दिन है और इसी के साथ ही आपके घर के, क्योंकि जितना आप दान करते हैं जितना रकम आप दान करते हैं उसका 100 गुना आपको वापस लौटकर प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान खाली नहीं जाता है, तो इस दिन आपको आपके पहने हुए पुराने कपड़े भूल कर भी दान नहीं करने चाहिए। दोस्तों आप कपड़े दान करना चाहते हैं मकर संक्रांति के दिन, बिल्कुल कीजिए, लेकिन बाजार से
नए कपड़े लेकर आइए और नए कपड़े दान कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे दिनों का इंतजार करते हैं और अपने घर से ही चीज़ें निकाल कर आप दान कर देते हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें। आपको पुराने कपड़े आपको इस अन्य दिन दान कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको दान करना भारी पड़ सकता है। राहु का आपको दोष लग सकता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस दिन आपको नए कपड़े ही दान करने चाहिए, न कि पुराने कपड़े। इसी तरह दोस्तों मकर संक्रांति, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्यदेव शनिदेव के घर जाते हैं, तो इस दिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको इस दिन तेल का दान करना, तेल से जुड़ी चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तेल से बनाई कुछ भी चीज़ों का आप दान कीजिए, आपको फायदा होगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस दिन आपको साक्षात तेल किसी भी प्रकार का दान के अंदर न तो उपयोग के अंदर लेना है और न ही आपको लेना है न देना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, इस दिन आपको तेल का दान सीधा डायरेक्ट तौर पर तेल का दान किया नहीं जाता। हाँ, इस दिन आप भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं और भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सरसों के तेल का तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को न तो दान करना है और न ही आपको किसी से लेना है। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, अपनी कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल किया गया तेल दूसरों को दे देते हैं, या फिर आप इससे दीपक आदि जला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए साक्षात भगवान शनिदेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस दिन आपको अपनी कढ़ाई के अंदर तेल तो जरूर जलाना चाहिए, लेकिन कढ़ाई के अंदर जलाया गया तेल, दोस्तों संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि तेल जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन कढ़ाई के अंदर जलाया गया तेल आपको किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो इस दिन स्टील के बर्तन देना बहुत अच्छा माना जाता है, और माना जाता है कि इस दिन बर्तन का दान करना कई गुना सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त करवाता है। लेकिन इस दिन आपको लोहे के काले बर्तन, जैसे कि कढ़ाई हो गई, तवा हो गया, या काले रंग के लोहे के किसी भी प्रकार के बर्तन होते हैं, दोस्तों ऐसा आपको देना नहीं चाहिए। हाँ, इस दिन आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन काले लोहे के बर्तन आपको मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी नहीं देने चाहिए, या कहें तो लोहे से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज का दान मकर संक्रांति के दिन नहीं करना चाहिए। एक तो इससे आपको शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाती है। राहु आपकी कुंडली के अंदर अच्छा योग बना लेता है, इसी वजह से आपको इस दिन लोहे के दान करने से बचना चाहिए। दोस्तों अब कई लोग क्या करते हैं, मकर संक्रांति के दिन प्लास्टिक की चीजों का दान करते हैं, लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि दान कहाँ करते हैं, अपने ही सदस्यों के बीच में, अपने ही घर परिवार के सदस्यों के बीच में। आप प्लास्टिक का दान कीजिए, आप स्टील का दान कीजिए, लेकिन अपनी राशि के अनुसार। अगर आपको उस दिन अपनी राशि के अनुसार स्टील या प्लास्टिक का बर्तन दान करने का मना किया गया है तो आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर सकारात्मकता है और आप कुंडली के अंदर किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है तो आप प्लास्टिक के और स्टील के बर्तन का दान कीजिए। लेकिन दान हमेशा उन्हीं लोगों को किया जाता है जो जरूरतमंद होते हैं। जिन लोगों को दान की वास्तव में जरूरत होती है, आपको दान उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चीज़ें देकर आ जाते हैं, उनके यहाँ पहले से ही चीज़ें पड़ी होती है और वह फिर उसके बाद वैसे के वैसे उनके घर के अंदर पड़ी रह जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दान हमेशा जरूरतमंद को ही करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन नुकीली और कांटेदार चीज़ों का आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि नेल कटर हो गया, जैसे कि चाकू हो गया, छुरी, तलवार, कांटा, इस प्रकार की जो चीजें होती है आपके गिफ्ट के अंदर सीधे तौर पर नहीं तो ऐसे ना कैसे करके शामिल है, तो आप सावधान हो जाइए इस दिन आपको, क्योंकि मकर संक्रांति प्यार और सौहार्द बढ़ाने का दिन है। अगर आप कांटेदार और तीखी चीजें दान के अंदर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पतन निश्चित हो जाता है, नुकसान आपका हो जाता है और साथ ही शनिदेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन द्वार पर आया गया साधु या देवता भगवान के बराबर माना जाता है। अगर मकर संक्रांति के दिन आपके द्वार पर कोई भी साधु आता है तो आप उन्हें बस किसी तरह का रुपया पैसा तो न दें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आप उन्हें तिल और गुड़ से बनी चीज़ें जरूर भेंट करें। आप स्वयं भी खाएं और अन्य लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तिल और इसी के साथ ही ज़्यादा संभव हो तो आप उन्हें भोजन करवा कर भेजिए, और भोजन भी आप स्वयं अपने हाथों से करवाइए। तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से
वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई भी शत्रु हो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके कार्यों के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन कच्चे अन्न का आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कच्चा अन्न दान नहीं किया जाता है। आपको मकर संक्रांति के दिन अपने घर के अंदर ही कुछ पकाकर या बाहर से भी कुछ पकाकर लेकर आइए तो आपको वह चीज़ लाकर दान करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा और देखते ही देखते सारे कुंडली के ग्रह आपके अंदर मजबूत होंगे, आपकी राशि को मालामाल करने का कार्य करते हैं अगर कोई आप इस तरह से उपाय आदि करते हैं। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन आपको पति पत्नी को किसी प्रकार का संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस दिन आपको जितना ज्यादा हो सके उनसे दूर रह के ही आपको भक्ति के अंदर मन लगाना चाहिए ताकि आपको उसका सच्चा फल प्राप्त हो, न कि आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़े और साथ ही साथ देवी देवताओं का भी अच्छा आशीर्वाद मिल जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।